नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध दूर करने पर बातचीत की। देश में कोविड-19 की जांच 1 करोड़ तक पहुंची, स्वस्थ होने की दर 61% के आसपास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, वायु के माध्यम से कोविड-19 के प्रसार के स्पष्ट प्रमाण नहीं। सरकार ने कहा, खरीफ फसल के मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं। और भारत और विश्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आपात कार्रवाई योजना के लिए $75 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी लवली निगम के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कल फोन पर सीमा मुद्दों पर चर्चा की। भारत और चीन के दोनों विशेष प्रतिनिधियों ने सीमा क्षेत्रों के पश्चिमी सेक्टर में हाल के घटनाक्रम पर गहन और स्पष्ट विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों विशेष प्रतिनिधि इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को नेताओं की आम सहमति से मार्गदर्शन लेना चाहिए। इस सहमति के अनुसार आपसी संबंधों के विकास के लिए भारत चीन सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को आपसी मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए, इसलिए वे सहमत हुए कि भारत चीन सीमा क्षेत्रों में पूरी तरह शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा से सेनाओं को जल्द से जल्द पूरी तरह हटाना आवश्यक है। इस संबंध में दोनों प्रतिनिधियों ने माना कि भारत और चीन को वास्तविक नियंत्रण रेखा से जल्द पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए। दोनों देशों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि सीमा क्षेत्र में तनाव कम करने की चरणबद्ध और सिलसिलेवार प्रक्रिया सुनिश्चित करनी चाहिए। उन्होंने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि दोनों देशों को वास्तविक नियंत्रण रेखा का सख्ती से पालन और सम्मान करना चाहिए। दोनों देशों को यथास्थिति बदलने के लिए एक तरफा कार्रवाई नहीं करनी चाहिए और ये सुनिश्चित करने के लिए काम करना चाहिए कि भविष्य में ऐसा कुछ न हो जिससे सीमा क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बिगड़े। दोनों विशेष प्रतिनिधि सहमत हुए कि दोनों देशों के राजनयिक और सैन्य अधिकारियों को विचार विमर्श जारी रखना चाहिए। समयबद्ध ढंग से अपेक्षित परिणाम हासिल करने के लिए भारत चीन सीमा मामलों के बारे में परामर्श और समन्वय के लिए कार्यकारी व्यवस्था की रूपरेखा के अंतर्गत विचार विमर्श जारी रखना चाहिए। द्विपक्षीय समझौतों और संधियों के अनुरूप भारत चीन सीमा क्षेत्रों में पूरी तरह से शांति और सौहार्द बहाल करने के लिए दोनों विशेष प्रतिनिधि बातचीत जारी रखने पर भी सहमत हुए। केंद्र सरकार ने आज कहा कि देश में कोरोना वायरस के संक्रमण से उबरने वाले लोगों की संख्या 4,24,433 हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 15,350 लोग स्वस्थ हुए हैं। स्वस्थ होने की दर 60.86% हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोविड-19 से 24,248 नए लोग संक्रमित हुए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमित लोगों की संख्या 6,97,413 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में वायरस से 425 लोगों की मृत्यु हुई है। संक्रमण से मरने वाले लोगों की संख्या 19,693 हो गई है। फिलहाल देश में 2,53,287 लोगों का इलाज हो रहा है। देश में कोविड-19 महामारी के बाद से अब तक 1 करोड़ नमूनों की जांच की महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की गई। पहले प्रतिदिन 100 से भी कम नमूनों की जांच की जा रही थी, कुछ ही महीनों में इसमें कई गुना वृद्धि हुई। ये सब अनुसंधान संस्थान, मेडिकल कॉलेज, जांच प्रयोगशालाओं, मंत्रालयों, एयरलाइंस और डाक सेवाओं सहित विभिन्न पक्षों की समर्पित टीम के प्रयासों से ही संभव हुआ। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 3,46,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई।
कोरोना वायरस महामारी के कारण देश एक अभूतपूर्व संकट से गुजर रहा है। इस स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सरकार ने टेस्ट ट्रैक ट्रीट की रणनीति अपनाई है, ताकि महामारी का जल्द से जल्द पता लगाकर रोकथाम के लिए उचित कदम उठाए जा सकें। सरकार ने कोविड 19 परीक्षण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए आवश्यक उपकरणों और सामग्रियों को विकसित करने के लिए स्वदेशी निर्माणकर्ताओं को बढ़ावा दिया। इस साल जनवरी में भारत में पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना वायरस की जांच के लिए केवल एक परीक्षण प्रयोगशाला थी। आज देश भर में 1100 से अधिक सरकारी और निजी प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस के नमूनों का परीक्षण कर रही हैं। ICMR कोविड 19 परीक्षण के लिए नई प्रयोगशालाओं, RT-PCR किट, ट्रूनेट टेस्ट, CBNET टेस्ट को मंजूरी देकर अपनी सुविधाओं में निरंतर वृद्धि कर रहा है। ICMR ने RT-PCR परीक्षण के साथ साथ कंटेनमेंट जोन में कोविड 19 की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के उपयोग की भी सिफारिश की है। इसके अलावा भारत उच्च गुणवत्ता कम लागत वाले परीक्षण स्वैब का भी उत्पादन कर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप रिकॉर्ड समय में लाखों स्वैब का उत्पादन हुआ है, वो भी आयातित स्वैब की तुलना में बेहद किफायती दामों पर। हालांकि इन कदमों के बावजूद भारत जैसे बड़े देश में परीक्षण तक पहुंच एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इसे निपटने के लिए ICMR ने देश के विभिन्न हिस्सों में परीक्षण की पहुंच और उपलब्धता को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त परीक्षण विधियों को शामिल करने का सुझाव दिया है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने स्वास्थ्य विभाग को कोविड से संबंधित मृत्यु दर घटाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा है। श्री बैजल ने आज दिल्ली में कोविड 19 प्रबंधन के लिए चिकित्सा बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन और सामुदायिक संपर्क की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने रोगियों की जान बचाने के लिए गोल्डन आवर की उपयोगिता पर बल दिया। श्री बैजल ने जोर देकर कहा कि महत्वपूर्ण अवसर पर रोगियों को एम्बुलेंस, ICU और ऑक्सीजन युक्त बिस्तर उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों का मनोबल बढ़ाने तथा रोगियों और उनके संबंधियों के भरोसे को प्रोत्साहन देने पर भी बल दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई इस बैठक में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में आज शाम 5 बजे से एक सप्ताह के लिए पूर्ण लॉकडाउन लागू हो गया। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भी एक सप्ताह के लिए लॉकडाउन फिर शुरू हो गया है। पुलिस की कड़ी निगरानी में यहां हाई अलर्ट है। तिरुवनंतपुरम निगम के सभी 100 वार्ड बंद हैं। प्रवेश और निकास मार्ग को छोड़कर शहर की ओर जाने वाले सभी रास्ते बंद कर दिए गए हैं। केवल आवश्यक सेवाओं को अनुमति दी गई है। सार्वजनिक परिवहन सेवाएं और सभी सरकारी कार्यालय भी बंद हैं। राज्य में 193 लोग संक्रमित हुए, जबकि 167 रोगी ठीक हो गए। राज्य में पिछले 18 दिन से रोजाना 100 से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। आज 193 संक्रमित रोगों में से 92 ऐसे रोगी हैं जो विदेश से लौटे हैं, जबकि 65 अन्य राज्यों से आए हैं। राज्य में अब तक 27 लोगों की मृत्यु हुई है। अब 2252 मरीजों का इलाज चल रहा है। आंध्र प्रदेश में 1263 लोगों में कोविड 19 के संक्रमण की पुष्टि हुई है। पिछले 24 घंटे के दौरान स्वस्थ हुए 424 लोगों को विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। राज्य में अब तक कोरोना के कुल 17,365 मामले दर्ज हुए हैं, जिनमें से 7,252 लोग ठीक हुए। करीब 9,874 मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक कोविड 19 के 10 लाख से अधिक परीक्षण किए गए। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार राज्य में कोविड 19 संक्रमण के कारण मृत्यु दर 1.24% है। कर्नाटक में आज कोविड 19 संक्रमण के 1843 नए मामले सामने आए। नए मामलों में से 981 मामले बेंगलुरु के हैं। राज्य में आज संक्रमण से 30 लोगों की मौत हुई। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 15,880 नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही राज्य में कुल कोविड जांच 7,22,305 नमूनों तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ऐसे समय कई उद्योगों से कामगारों को हटाने के कदम पर चिंता प्रकट की है, जब सरकार राज्य में कारोबारी गतिविधियां फिर शुरू करने की अनुमति दे रही है। श्री ठाकरे ने धरती पुत्रों यानी राज्य के निवासियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए महाजॉब्स पोर्टल के शुभारंभ के अवसर पर ये बात कही। राज्य सरकार का कौशल विकास मंत्रालय इस सप्ताह ऑनलाइन रोजगार मेला भी आयोजित कर रहा है। ये मेला आज से शुरू हुआ। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
आज महाजॉब्स पोर्टल का शुभारंभ करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि तालाबंदी के कारण कई प्रवासी मजदूर अपने मूल राज्यों में चले गए थे, पर अब जब राज्य में व्यापार गतिविधियां फिर से शुरू हो गई है तो धीरे धीरे ये मजदूर राज्य में वापस लौटने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी स्थिति में कई उद्योगों द्वारा इन मजदूरों के वेतन में कटौती करना या उन्हें बर्खास्त करना सही नहीं है। राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने कहा कि 17 ऐसे क्षेत्र हैं जिसके लिए नौकरी तलाशने वाले इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल शामिल है। उन्होंने कहा कि कुशल, अर्धकुशल और अकुशल उम्मीदवार नौकरियों के लिए पोर्टल पर उनके विवरण अपलोड करके आवेदन कर सकते हैं, जिसका उपयोग नियोक्ताओं, उद्योगों द्वारा भी किया जा सकता है। दूसरी ओर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण, जो कि बड़ी मूल संरचना परियोजनाओं को लागू कर रहा है, उसे मजदूरों की अनुपस्थिति के कारण परियोजनाओं को पूरा करने में 5 से 6 महीने से अधिक देरी की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए राज्य के कौशल विकास मंत्रालय ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑनलाइन जॉब फेयर का आयोजन किया है, जो आज से 12 जुलाई तक चलेगा। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। इस बीच महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन में छूट देते हुए राज्य सरकार ने आज होटलों और अन्य संबंधित संस्थानों को 33% क्षमता के साथ परिचालन की अनुमति देने का फैसला किया। कंटेनमेंट जोन से बाहर होटल, अतिथि गृह और विश्राम गृह जैसे संस्थान 8 जुलाई से खुल सकेंगे। शॉपिंग मॉल में स्थित होटलों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। सरकार ने इस फैसले की जानकारी एक अधिसूचना में दी है। इन संस्थानों को परिचालन की अनुमति सुरक्षित परस्पर दूरी और अन्य मानकों का पालन करने की शर्तों के साथ दी गई है। असम में कोविड 19 महामारी से निपटने के उपायों के साथ ही आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग मंत्री रिहान दईमारी ने कहा है कि 50,000 युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट। असम के जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग के मंत्री रिहान दईमारी ने बताया, जल जीवन मिशन के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए पूरे प्रदेश में तैयारियां की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग हाल ही में बाहर से असम लौटे हैं, वो इस पहल से लाभान्वित होंगे। श्री दईमारी ने कहा कि कोविड 19 काम के लिए गांव में भी दवाई छिड़के जा रहे हैं। दईमारी ने फिर ये भी कहा कि बाढ़ राहत शिविरों में रह रहे लोगों को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग द्वारा पीने के पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश में बाढ़ की स्थिति में सुधार हुई है, लेकिन अब भी 15 जिलों में लगभग 4 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। हथेलियों पे तंबाकू मसाला रगड़कर स्वाद चखने के लिए मुंह तक जरूर लाएंगे, सिगरेट और बीड़ी भी जलाकर होठों से जरूर लगाएंगे, और फिर कैंसर, कोरोना, टीबी और हृदय रोग जैसी बीमारियों के चपेट में आएंगे। सर, तंबाकू सेवन जानलेवा है और आपकी और आपके परिवार की खुशियों के लिए हानिकारक भी। तो आज ही एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए शपथ लीजिए, सिगरेट, बीड़ी या किसी भी प्रकार के तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे और जीवन को सुरक्षित रखेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध दूर करने पर बातचीत की। देश में कोविड 19 की जांच 1 करोड़ तक पहुंची, स्वस्थ होने की दर 61% के आसपास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायु के माध्यम से कोविड 19 के प्रसार के स्पष्ट प्रमाण नहीं। सरकार ने कहा खरीफ फसल के मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं, और भारत और विश्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आपात कार्रवाई योजना के लिए 75 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि वायु के माध्यम से नोवेल कोरोना वायरस के फैलने के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। हवा में मौजूद कणों के माध्यम से कोविड 19 के प्रसार के बारे में 32 देशों के 239 वैज्ञानिकों के शोध के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन में संक्रमण से बचाव और नियंत्रण संबंधी तकनीकी टीम की प्रमुख डॉक्टर बेनेडेत्ता अलेगांजी का ये बयान आया है। शोधार्थियों ने कोविड संक्रमण के फैलने के संबंध में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सिफारिशों पर पुनर्विचार की अपील की।
लेकिन विश्व स्वास्थ्य संगठन को हवा के माध्यम से इस वायरस के फैलने का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। श्री मांडे ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि मास्क लगाने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने से ही कोविड संक्रमण के संपर्क में आने की आशंका महत्वपूर्ण रूप से कम की जा सकती है। हम लोग जो प्रिकॉशन ले रहे हैं उसे नियमित रूप से उसका पालन करें ये काफी होगा। जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, जहां पे वेंटिलेशन अच्छा ना हो वहां पे संभावना बढ़ जाती है। इसलिए बंद जगहों पे भी ये आवश्यक है कि इसी तरह से अगर वेंटिलेट कर रखे और फैंस वगैरह लगाए तो फिर संभावना बहुत कम हो जाती है कोविड होने की। मध्य प्रदेश में चल रहे किल कोरोना अभियान के तहत घर घर जाकर हो रहे सर्वेक्षण में चिन्हित हो रहे रोगियों के उपचार की व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही हैं। शहरी क्षेत्र में 1776 और ग्रामीण क्षेत्र में 8975 दल सर्वेक्षण के काम में लगे हुए हैं। सर्वेक्षण विभाग अभियान में कोरोना लक्षण वाले मरीजों के साथ अन्य मौसमी बीमारियों के लक्षणों वाले रोगी भी चिन्हित हो रहे हैं। एक रिपोर्ट। किल कोरोना अभियान में अब तक करीब 11,000 से अधिक सैंपल लिए जा चुके हैं और प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक लोगों का स्वास्थ्य सर्वे इस अभियान के अंतर्गत पूर्ण हो चुका है। किल कोरोना अभियान में डोर टू डोर सर्वे के लिए तैनात सभी टीमें नॉन कॉन्टैक्ट थर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर और अन्य जरूरी प्रोटेक्टिव गियर से लैस है। किल कोरोना अभियान में सर्वे द्वारा कोरोना के संदिग्ध मरीजों के साथ साथ मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि के मरीजों की भी पहचान कर उन्हें सार्थक ऐप में दर्ज किया जा रहा है। किल कोरोना अभियान 15 जुलाई तक चलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किल कोरोना अभियान में सर्वे के दौरान चिन्हित हो रहे संभावित कोरोना रोगियों की जांच के साथ साथ उचित उपचार की व्यवस्था करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सर्वे में अन्य रोगों की भी पहचान कर रोगियों का इलाज सुनिश्चित किया जाए। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर सी विजय भास्कर ने कहा है कि सिद्ध आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और योग जैसी भारतीय चिकित्सा पद्धतियों को उचित महत्व दिया जा रहा है। उन्होंने आज चेन्नई में संवाददाताओं को बताया कि शहर के स्टेनले मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आयुर्वेद के लिए अलग प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि चेन्नई के ग्विंडी में नव स्थापित अस्पताल में सिद्ध चिकित्सा पद्धति के डॉक्टरों के लिए अलग ब्लॉक होगा। इस बीच राज्य में कोविड-19 रोगियों की संख्या 1,15,000 हो गई है। आज 3,827 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करता है। सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता इस चर्चा में भाग लेंगे। ये कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-5767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 011-23-31-4444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 महामारी के बारे में चिकित्सा विशेषज्ञों की सलाह प्रसारित करता है। नई दिल्ली के सीताराम भरतिया विज्ञान और अनुसंधान संस्थान में वरिष्ठ परामर्शदाता डॉक्टर अमरचंद बजाज ने सुरक्षित दूरी बनाने पर जोर दिया। जब तक हमारे पास इनकी ट्रीटमेंट वैक्सीन या मेडिसिन के रूप में ना निकले तब तक हमें जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो फॉलो करने हैं। जहां जरूरत ना हो उसमें घर से बिल्कुल बाहर ना निकले, कोशिश करें कम से कम बाहर निकलना है। और जबकि निकलना भी पड़ा घर से बाहर तो कोशिश करें कि जहां आप दो लोग खड़े हैं करें 2 मीटर दूर खड़े रहें, नहीं तो कम से कम 1 मीटर दूर खड़े रहें। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल के डॉक्टर नरेश गुप्त ने कहा कि कोविड-19 के बहुत कम मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत होती है। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पर ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के अंतर्गत अमरीका और भारत के बीच 11 जुलाई से 19 जुलाई के दौरान 36 उड़ानें संचालित करेगी। एक बयान में एयर इंडिया ने कहा है कि टिकटों की बुकिंग आज से केवल एयर इंडिया की वेबसाइट पर की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विभिन्न विभागों के बेहतर समन्वय और निगरानी बढ़ाने से जापानी एन्सेफेलाइटिस और एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम, जापानी बुखार से होने वाली मृत्यु की दर में कमी लाई जा सकती है। श्री आदित्यनाथ ने गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में संचारी रोग, जापानी बुखार और कोविड-19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक में आज कहा
कि लोगों को स्वच्छता के संबंध में जागरूक करने के लिए अभियान चलाया जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने वाली योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को उन गांवों का दौरा करना चाहिए जहां जापानी बुखार होने की सूचनाएं मिली हैं। इन गांवों में स्वच्छता अभियान चलाया जाना चाहिए और लोगों को उबला हुआ पानी पीने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। उन्होंने गोरखपुर और बस्ती मंडल में कोविड 19 से निपटने की तैयारियों की समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि सभी विभागों में कोविड सहायता डेस्क की स्थापना की जानी चाहिए और आगंतुकों की जांच की जानी चाहिए। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA ने आकाशीय बिजली से बचने के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि बिजली से लोगों की जान जाने की अप्रिय घटनाओं को रोका जा सके। देश में कई भागों में बिजली गिरने से लोगों की जान जाने की हाल की घटनाओं के मद्देनजर ये कदम उठाया गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में NDMA के सदस्य कृष्ण वत्स ने बिजली गिरने के दौरान किए जाने वाले सुरक्षा उपायों की जानकारी दी। बहुत लोग वृक्ष के नीचे खड़े हो जाते हैं और उससे खतरा बढ़ जाता है जब वृक्ष के आसपास वज्रपात होने की संभावना और ज्यादा हो जाती है। बस लेट जाना जमीन पर और नहीं तो दूसरी कहीं अगल बगल में किसी इमारत में संरक्षण लेना, ये मुख्य उपाय है। खुले मैदान में थोड़ा उससे बचना चाहिए। अगर कहीं ऐसी एक्टिविटी हो रही है, आकाश में दिख रहा है कि यहाँ वज्रपात होने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। हेलो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों और बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह लें। समझ गई? हाँ समझ गई, और दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। सरकार ने कहा है कि खरीफ फसल के मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। रसायन और उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ सलाह मशवरा करके उर्वरक का पर्याप्त भंडार तैयार किया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में श्री गौड़ा से मुलाकात की। श्री गौड़ा ने श्री चौहान को मध्य प्रदेश में मांग के अनुसार पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। श्री चौहान ने कहा कि फिलहाल राज्य में यूरिया की कोई कमी नहीं है, लेकिन मॉनसून की ज्यादा बरसात होने के कारण बुआई का रकबा 47% बढ़ गया है, इससे यूरिया की खपत में भी वृद्धि हुई है। सरकार और विश्व बैंक ने आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आपात कार्रवाई योजना के लिए $75 करोड़ के समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य कोविड-19 संकट से प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME के हाथ में धन का प्रवाह बढ़ाना है। विश्व बैंक के इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस श्रेणी के लगभग 15 लाख उद्योगों को त्वरित रूप से धन और ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे मौजूदा संकट के बावजूद अपना कार्य करते रहें और उनके रोजगार सुरक्षित रहें। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि आने वाले समय में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए व्यापक सुधारों की दिशा में उठाए गए शुरुआती कदमों में से ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के राजमार्गों की स्थिति का आकलन और रैंकिंग करने का निर्णय किया है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को उच्च स्तर की सेवा उपलब्ध कराने और आवश्यकता होने पर राजमार्गों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सही कदम उठाना है। केंद्र सरकार ने मीडिया की इस खबर का खंडन किया है जिनमें कहा गया है कि सरकार केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के विलय के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। वित्त मंत्रालय ने इस खबर को गलत बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि दोनों बोर्ड के विलय का कोई प्रस्ताव नहीं है। गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थानों की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दे दी है। उच्च शिक्षा सचिव को लिखे एक पत्र में कहा गया है कि अंतिम सत्र की परीक्षाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार संचालित की जानी चाहिए।
ये परीक्षाएं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक संचालन प्रक्रिया और विश्वविद्यालयों के शैक्षिक वर्ष के अनुरूप होंगी। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस के पूर्व उपाधीक्षक देवेंद्र सिंह और उसके 5 सहयोगियों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां निवारण अधिनियम के तहत जम्मू NIA अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। हमारे जम्मू संवाददाता ने खबर दी है कि देवेंद्र सिंह फिलहाल कठुआ की हीरानगर जेल में बंद है। उसे आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी नावेद मुश्ताक उर्फ नावेद बाबू और रफी अहमद राठेर के साथ कुलगाम जिले के वानपोह इलाके से गिरफ्तार किया गया था। उसके 3 अन्य सहयोगी इरफान शफी मीर, तनवीर अहमद वानी और सईद इरफान अहमद हैं। आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपी पाकिस्तान के आतंकवादी गुट हिजबुल मुजाहिदीन और पाकिस्तानी सरकार एजेंसियों के साथ भारत के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करने और युद्ध छेड़ने की साजिश में शामिल है। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC मुख्यालय गुजरात ने कल से अहमदाबाद में एक भारत श्रेष्ठ भारत शिविर की शुरुआत की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 1 सप्ताह तक चलने वाला ये शिविर 11 जुलाई तक जारी रहेगा। गुजरात, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमन और दीव के छात्र अपने गृह राज्य से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह शिविर में शामिल हो रहे हैं। गुजरात से NCC सीनियर विंग की 25 गर्ल्स कैडेट और 25 बॉयज कैडेट भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कैंप कमांडेंट कर्नल अवेश पाल सिंह ने इसके उद्देश्य के बारे में और जानकारी दी। एक भारत श्रेष्ठ भारत कैंप का उद्देश्य देश की विविधताओं को जानना और इन विविधताओं में एकता की भावना को एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करना होता है। इसमें शामिल होने वाले कैडेट्स अपने अपने राज्यों की रिच हेरिटेज को शोकेस करते हैं, जिससे राज्यों के मध्य एक लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट स्टैब्लिश होता है और एक ऐसा सुंदर वातावरण तैयार होता है जिससे हम एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं और देश के अंदर एक राष्ट्रीय एकीकरण की भावना को मजबूत करते हैं। कैंप के दौरान तीनों राज्यों के कैडेट्स के बीच में डिबेट, क्विज जैसी प्रतियोगिताएं भी होंगी और कैंप के आखिरी दिन विभिन्न प्रतियोगिताओं में जीतने वाले कैडेट्स को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया जाएगा। देश में कोरोना वायरस महामारी के बीच हो रही इस शिविर में निश्चित रूप से युवा छात्रों को अपने अनुभव साझा करने का अवसर मिलेगा। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। और अब कल के मौसम के पूर्वानुमान पर एक नजर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होने का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 27 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, बारिश भी हो सकती है। न्यूनतम तापमान 25 तथा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। चेन्नई की बात करें तो तापमान रहेगा 27 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच और आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ ही एक दो बार वर्षा का अनुमान है। तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, एक या दो बार गरज के साथ तेज बौछार पड़ने का अनुमान है। जम्मू में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और आंधी के साथ हल्की बारिश हो सकती है। श्रीनगर में आसमान साफ रहेगा, तापमान 17 डिग्री सेल्सियस से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। गिलगित में न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, दोपहर या शाम के समय आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। मुजफ्फराबाद में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर या शाम को आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। चंद्रिका जोशी, समाचार कक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने स्कूल बंद होने के मद्देनजर बिहार के भागलपुर जिले में दोपहर के भोजन की आपूर्ति नहीं होने के कारण गरीब बच्चों की दुर्दशा की खबर पर केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय और बिहार सरकार को नोटिस जारी किए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गतिरोध दूर करने पर बातचीत की। देश में COVID-19 की जांच 1 करोड़ तक पहुंची, स्वस्थ होने की दर 61% के आसपास। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, वायु के माध्यम से COVID-19 के प्रसार के स्पष्ट प्रमाण नहीं। सरकार ने कहा, खरीफ फसल के मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं।
भारत और विश्व बैंक ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग आपात कार्रवाई योजना के लिए 75 करोड़ डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए और गृह मंत्रालय ने विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की परीक्षाएं आयोजित करने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।